ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तानुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मौलिक अधिकार। ये कार्यक्रम BA राजनीति शास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अमर नायक। कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम मौलिक अधिकार। आज प्रस्तुत है इसका पहला भाग। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस व्याख्यान में हम BA प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र द्वितीय के इकाई 2 के मौलिक अधिकार के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में बात करने से पहले मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शासक एवं शासित के मध्य जब संबंध स्थापित होता है तो एक बात सबसे अधिक महत्व रखता है, वह है अधिकार। शासित को यानी व्यक्ति को कितना अधिकार होना चाहिए और शासन को व्यक्ति पर कितना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, यह एक विवादास्पद मुद्दा है। जब से विश्व में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुई है तब से यह अधिकार संबंधी बात अधिक तूल पकड़ लिया है, यानी अधिकार को अधिक महत्व दिया गया है, यानी व्यक्ति को कितना अधिकार प्रदान करना चाहिए उस संबंध में सर्वविश्व में बहुत बड़ा विवाद हुआ है। मित्रों, आपको याद होगा, आपने यदि इतिहास पढ़ा होगा, 1789 में फ्रांस में क्रांति आई थी। इस फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का नारा लगाया गया था। उसमें स्वतंत्रता एवं समानता संबंधी अधिकार की मांग लोगों ने की थी। 1787 में अमेरिका का संविधान बना। जब संविधान बना उसमें भी मौलिक अधिकार संबंधी बात नहीं की गई थी, बल्कि 1791 में अमेरिका के संविधान में जो प्रथम 10 संशोधन किए गए उन संशोधनों में एक अधिकार पत्र जोड़ा गया या बिल ऑफ राइट्स उसमें जोड़े गए। तो आइए आज के इस व्याख्यान में हम भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार संबंधी बात कही गई है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। आज के इस सत्र को हमने दो भागों में बांटा है। हमारा जो पहला भाग है मौलिक अधिकार से संबंधित, उसमें हम समानता एवं स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो आज के इस व्याख्यान का हमारा उद्देश्य है, इस सत्र के पश्चात आप मौलिक अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में बता पाएंगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकारों को समझा पाएंगे। आज की जो विषय वस्तु है हमारी, हमने उसको इस प्रकार बांटा है। पहले संविधान में अधिकार पत्र की विशेषताएं क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है एवं विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह है मैग्ना कार्टा। इतिहास में यह सन 1215 में यह एक ऐसी घटना है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है विश्व में हर संविधान के लिए और खास तौर पर प्रजातंत्र के लिए। यह एक मैग्ना कार्टा, यह एक अधिकार पत्र है राजा जॉन इंग्लैंड के 1215 में, जो इंग्लैंड के राजा थे वो बीच में बैठे हुए हैं और उनको घेर कर कुछ खड़े हैं इंग्लैंड के तत्कालीन कुछ सामंत। ये सामंत राजा से कुछ अधिकार की मांग कर रहे हैं, यानी ये शायद पहली दफा ऐसी थी कि राजा से कुछ अधिकार की मांग लोगों ने की और राजा ने उस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया और यही शायद प्रजातंत्र की आधारशिला थी, प्रजातंत्र का पहला मील का पत्थर था। जैसे मैंने बताया था आपको कि 1791 में अमेरिका के संविधान में जो पहला 10 संशोधन हुए
उसी में बिल ऑफ राइट्स या अधिकार पत्र अमेरिका के संविधान में जोड़ा गया और उसी के तहत अमेरिका के संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूल तथा अपरिहार्य होने के कारण, मूल तथा अपरिहार्य ये दो शब्द अति महत्वपूर्ण है, संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये जो अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के लिए अपरिहार्य यानी अति आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, इनके बिना व्यक्ति का विकास होना असंभव है। और साथ में दूसरी बात उसमें लिखी गई है कि संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, ये कोई संसद द्वारा या उस राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा कानून पारित कर अधिकार नहीं दिए जाते हैं, बल्कि देश की जो मूल विधि होती है, देश का जो संविधान होता है, उसमें उसको स्थान दिया जाता है। व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे अधिकार होते हैं जिनका कभी उल्लंघन नहीं किया जा सकता, राज्य उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई दूसरा व्यक्ति, व्यक्ति समूह या कोई संस्था इन अधिकारों को व्यक्ति से छीन नहीं सकता। उपरोक्त अर्थ से तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला है कि व्यक्ति के भौतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक हैं। भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक ये तीन बातों को कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए ये अधिकार नितांत आवश्यक होते हैं। दूसरा, इन्हें देश की मूल विधि या संविधान में स्थान दिया जाता है एवं संविधान संशोधन प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने पहले से ही बताया था आपको कि इन अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाता है और इनमें यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो संविधान संशोधन के लिए जो प्रक्रिया उस राज्य में होगी उसी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं है। तीसरा, मौलिक अधिकारों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है। ये वैधानिक शक्ति क्या होती है, उसका अर्थ ये होता है कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा उल्लंघन किए जाने पर उन्हें न्यायपालिका द्वारा अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यानी यदि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकार संबंधी उपबंधों का उल्लंघन कर रहा हो या कार्यपालिका कानून को लागू करते समय ऐसा कोई कार्य करती है जो मौलिक अधिकारों को छीन रहा हो तो स्थिति में व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया वो कानून या कार्यपालिका द्वारा किया गया वो कार्य को न्यायपालिका द्वारा अवैधानिक घोषित किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, उनने मौलिक अधिकार के बारे में ये कहा है कि भारत में इन अधिकारों को सरकार की इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था, क्योंकि भारत में लोकतंत्र अब तक पूर्ण रूप से पनप नहीं पाया है, इसलिए इन अधिकारों को संविधान में रख दिया गया। संविधान में अधिकार पत्र की विशेषताएं यानी भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार संबंधी वर्णन किया गया है तो उसकी विशेषताएं क्या है, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है, आइए उसका अध्ययन करें। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है यह सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है, यानी इसका वर्णन बड़े विस्तृत रूप में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग तीन में इसका वर्णन किया गया है, यानी संविधान का एक भाग, भाग तीन पूर्ण रूप से केवल मौलिक अधिकारों का ही वर्णन उस भाग में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 30 एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दूसरी विशेषता है कि ये मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित अधिकार हैं, ये कोरे सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आपको उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे, जैसे सिद्धांत ये कहता है कि सभी व्यक्तियों हेतु समानता का अधिकार दिया गया है, जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार है, उसमें यह बताया गया है कि सभी व्यक्तियों हेतु समानता का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिकता यह है कि कमजोर वर्ग के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जैसे दलित वर्ग होते हैं, पिछड़े वर्ग होते हैं, उनके लिए कुछ आरक्षण की भी बात की गई है, तो ये भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की बात की गई है उसका ये व्यवहारिक पक्ष है। तीसरी चीज, मौलिक अधिकार सीमित हैं, ये कोई असीमित अधिकार नहीं है। अधिकारों में प्रतिबंध की व्यवस्था की गई है। प्रतिबंध की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि यदि प्रतिबंध ना हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित हो जाए,
तो उच्छृंखलता का रूप ले लेती है। इसलिए कुछ प्रतिबंध की व्यवस्था भी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में की गई है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक कल्याण एवं राज्य की सुरक्षा के आदर्शों में एक संतुलन बना रहे। चौथी विशेषता है कि अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। यदि मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो बाकी जितने भी अधिकार आपको प्राप्त हैं ये सब निरर्थक हो जाएंगे। इसलिए मौलिक अधिकार की रक्षा की व्यवस्था भी संविधान में की गई है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, आइए हम जानने का प्रयास करें। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदत्त हैं। यानी मूल संविधान जो हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, उस संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। ये 7 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संपत्ति का अधिकार एवं सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार 7 मौलिक अधिकार मूल संविधान में प्रदान किए गए हैं। लेकिन इसमें एक अधिकार जो छठवां अधिकार है, ये संपत्ति का अधिकार, इसको आप याद रखिए, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। 44वें संशोधन द्वारा, जो संविधान का 44वें संवैधानिक संशोधन था, उस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। यह 44वां संवैधानिक संशोधन जो 1979 में लागू किया गया, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अतः वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमें प्राप्त हैं। अब आइए कुछ प्रश्न हम आपसे पूछते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या डी भाग 5? सही उत्तर है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त थे? क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त थे? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही उत्तर है सी 7। मूल संविधान में 7 प्रदत्त थे, वर्तमान में हमें 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया? समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार, डी स्वतंत्रता का अधिकार। सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में। अब आइए विषय वस्तु में, जो हमारी पहली बात है, ये समानता का अधिकार या जो पहला मौलिक अधिकार जिसका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, समानता का अधिकार, आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। समानता का अधिकार के बारे में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है। इन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के जो 5 अनुच्छेद हैं, इन 5 अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। हम हर अनुच्छेद में जो बात कही गई है संविधान में, उसका अध्ययन करेंगे। पहला अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें दो बातें कही गई है। इन दो बातों को लेकर अक्सर छात्र कंफ्यूज होते हैं। इसमें पहली बात है कानून के समक्ष समानता एवं दूसरी बात है कानून के समान संरक्षण। दोनों बातें एक जैसी लगती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। कानून के समक्ष समानता क्या है? कानून के समक्ष समानता के अनुसार राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। जो कानून बनेंगे ये सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे ही कानून बनेंगे और उन्हें एक समान ही लागू किया जाएगा। लेकिन उसमें एक बात है कि समान परिस्थितियों में सर आइवर जेनिंग्स, जो संविधान के एक एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनने ये बताया है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। ये कानून के समक्ष समानता के अंतर्गत है। उसका अर्थ ये होता है, उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं, यदि राज्य धनी और गरीब के बीच कर संबंधी व्यवस्था लागू करते समय कोई अंतर करता है तो कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
क्योंकि जिसकी आय अधिक होती है उसको कर अधिक देना पड़ेगा, जिसकी आय कम है उसको कर कम देना पड़ेगा। तो इसलिए तो इस संबंध में राज्य अंतर कर सकता है, उसमें कानून के समक्ष समानता संबंधी उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है। अब दूसरी बात है कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण के अंतर्गत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी ये बात आती है कि प्रधानमंत्री से लेकर किसान तक कानून की नज़र में सब एक समान ही है। प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से यदि अधिकार का उल्लंघन होता है अपने अधिकार की रक्षा के लिए समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। आप इस चित्र के जरिए ही स्पष्ट हो जाता है कि कानून के समान संरक्षण क्या है। अब अनुच्छेद 15 की बात करेंगे। अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में पक्षपात नहीं किया जाएगा। उसमें कई बातें बताई गई है। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी ये एक कॉमन सी बात है। इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक स्थान है, जैसे कोई कुआं हुआ, तालाब है, नदी है, सड़क है, पार्क है, दुकान है, होटल है, इनके प्रयोग में किसी भी प्रकार का भेदभाव इन चीज़ों के आधार पर, इन बातों के आधार पर, जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी नागरिक के साथ राज्य द्वारा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मैंने शुरू से ही बताया था कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है ये असीमित नहीं है, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है और इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे राजकीय सेवाओं के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आवश्यक योग्यता MBBS की डिग्री होती है, किसी को वकील बनना है तो उसके लिए LLB की डिग्री चाहिए, किसी को यदि इंडियन सिविल सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए अप्लाई करना है, आवेदन करना है, तो उसके लिए कम से कम स्नातक होना अनिवार्य है। साथ में दूसरा प्रतिबंध है कि पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थानों का आरक्षण, जैसे दलित वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए स्थानों का आरक्षण किया जा सकता है। तीसरा है निवास संबंधी योग्यता अनिवार्य भी किया जा सकता है। कुछ राज्य अपने राज्य शासन की नौकरी के लिए, राज्य शासन के कर्मचारी बनने के लिए उस राज्य के निवासी होने की जो योग्यता उसको भी अनिवार्य कर सकते हैं। अब अनुच्छेद 17 में आते हैं। अनुच्छेद 17 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और उसमें अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा, ये लिखा गया है। अस्पृश्यता या थोड़ा सा साधारण शब्द में हम कह सकते हैं छुआछूत, जो भारत में शुरू से ही, बहुत पहले से ही प्रचलित है, इस छुआछूत से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। इस छुआछूत संबंधी बीमारी, इसका लोप करने के लिए या अस्पृश्यता संबंधी कलंक को भारतीय समाज से मिटाने के लिए अनुच्छेद 17 में इस बात को कहा गया है और इस अनुच्छेद 17 के आधार पर संसद द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। पहला कानून इसके आधार पर 1955 में बना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, एवं दूसरा है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989। इन कानूनों द्वारा ये बताया गया कि अस्पृश्यता के आधार पर यदि किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसमें कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। अब अनुच्छेद 18 में सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। यानी अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों के जमाने में कुछ ऐसी उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे राय बहादुर या कुछ ऐसी उपाधियां जिनके द्वारा समाज में सामाजिक विषमताएं फैलती थी, उस प्रकार की उपाधियों का
अंत कर दिया गया है। वर्तमान में केवल व्यवस्था है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान की जाती है। सेना संबंधी उपाधियां जैसे आपको मालूम होगा वीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये सब उपाधियां प्रदान की जाती है। विद्या संबंधी उपाधियां जैसे कोई पीएचडी करता है तो डॉक्टर संबंधी उपाधि उसको दी जाती है। इन उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। आइए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है? ए 19 से 21, बी 22 से 25, सी 14 से 18, डी 26 से 29। सही उत्तर है 14 से 18। संविधान के कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बताया गया है? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। सही उत्तर है सी 17। संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। सही उत्तर है डी 18। अब समानता के अधिकार के बाद जो दूसरा अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत है वह स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक ये जो चार अनुच्छेद हैं 19, 20, 21, 22, इसमें स्वतंत्रता संबंधी अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। यहां भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जब मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसी के साथ ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता थी उसको भी हटा दिया गया। यानी मूल संविधान में 19 के अंतर्गत 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद संपत्ति संबंधी स्वतंत्रता को हटाने के पश्चात अब 6 स्वतंत्रताएं बची। ये 6 स्वतंत्रताएं क्या है? पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। कई बार ये बात आती है कि जो अखबार जो प्रकाशित होते हैं या प्रेस को जो स्वतंत्रता मिली हुई है, ये अधिकार उन्हें कहां से मिला है? ये अधिकार बिल्कुल एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम अनुच्छेद 19 के 1 जो पहली खंडिका है उसमें प्रदान किया गया है। दूसरा है कि अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कोई शांतिपूर्ण सम्मेलन हम कर सकते हैं, सभाएं आयोजित कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अस्त्र शस्त्र रहित होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का शस्त्र का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा है समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता। कई प्रकार के समुदाय एवं संघों का निर्माण किया जाता है, जैसे कर्मचारी वर्ग संघ का निर्माण करते हैं, व्यवसायी वर्ग भी संघ का निर्माण करते हैं, मजदूरों का संघ होता है, किसानों का संघ होता है। इस प्रकार के संघ निर्माण की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। चौथा है भ्रमण की स्वतंत्रता। यानी भारत के राज क्षेत्र के अंदर बिना किसी अधिकार पत्र के, बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के आपको भ्रमण की स्वतंत्रता प्राप्त है। पांचवा निवास की स्वतंत्रता। यानी भारत के राज क्षेत्र के अंदर कहीं भी स्थायी या अस्थायी रूप से निवास की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। छठवां व्यवसाय की स्वतंत्रता। यानी किसी प्रकार की आजीविका या कारोबार अपनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। जैसे मैंने बताया हर स्वतंत्रता के पीछे कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, जैसे कुछ व्यवसायों को अपनाने के लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया था पहले से कि वकालत करने के लिए आपको LLB की डिग्री की आवश्यकता होती है, इस प्रकार कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। इनमें से जो कुछ प्रतिबंध है अनुच्छेद 19 पर जो कुछ प्रतिबंध है ये इस प्रकार हैं। पहला है अपमान लेख और वचन। ये जो प्रतिबंध है ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। किसी के ऊपर अपमान लेख या वचन करने की स्वतंत्रता हमें प्राप्त नहीं है। यदि ऐसा कुछ किया जाता है तो व्यक्ति जिस पर अपमान लेख किया गया है वह न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय का अपमान नहीं किया जा सकता है, किसी भी कीमत में न्यायालय की अवमानना या न्यायालय का अपमान नहीं किया जा सकता है। तीसरा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात नहीं होना चाहिए। चौथा राज्य की सुरक्षा। यानी इन स्वतंत्रता का प्रयोग करते समय ये ध्यान देना है कि राज्य की सुरक्षा कहीं भी बाधित ना हो रही हो। पांचवा विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्वक संबंध जो है उस पर किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे। छठवां सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति बाधित ना हो। एवं सातवां अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हित में किसी प्रकार का विघ्न ना हो।
अब अनुच्छेद 20 में जो स्वतंत्रता की बात की गई है, आइए उसका अध्ययन करें। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू कानून का उल्लंघन ना किया हो। यानी अपराध के समय जो कानून लागू है, यदि उसका उल्लंघन व्यक्ति करता है तो स्थिति में उसको अपराधी घोषित किया जा सकता है। यानी उसमें और कुछ बातें हैं, जैसे एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है, एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसके दूसरे गवाहों की गवाही से प्रमाणित करने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 21, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। उसमें जो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ये हम बताएंगे। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यह प्राण एवं शरीर की सुरक्षा संबंधी स्वतंत्रता, यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको किसी भी समय भी स्थगित नहीं किया जा सकता। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वे आपातकाल की घोषणा के समय स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ये किसी भी समय स्थगित नहीं किया जा सकता। प्राण तथा शरीर की स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है और उसको स्थगित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है राज्य को। अनुच्छेद 22 में बताया गया है कि बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार भी प्रदत्त किए गए हैं। यानी जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। आपको ये पढ़कर इस स्लाइड को जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि वाकई क्या जिस व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है उसको भी कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। बिल्कुल सही है, जो अधिकार उसको प्रदान किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला अधिकार उसका यह है कि बंदी बनाने का कारण उसको बताना होगा। दूसरा, उसे वकील से परामर्श करने एवं अपने बचाव करने का अधिकार होगा। एवं तीसरा, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा। यानी जो निकटतम न्यायालय है SDM का, निकटतम न्यायालय जैसे मान लीजिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या कोई भी छोटा मजिस्ट्रेट का कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, जो भी न्यायालय निकटतम है 24 घंटे के अंदर उसको वहां पहुंचाना पड़ेगा। उसमें न्यायालय तक ले जाने का समय लेकिन शामिल नहीं है। उसमें कुछ लेकिन प्रतिबंध है। दो प्रकार के अपराधियों पर यह लागू नहीं होंगे। पहला, शत्रु देश के निवासियों पर। शत्रु देश यानी राज्य जब किसी देश को शत्रु देश घोषित करता है, ये युद्ध के समय ही किया जाता है। शत्रु देश के निवासियों को यदि बंदी बनाया जाता है तो उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उस पर यह लागू नहीं होगा। आइए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करें। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है? निवास की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता। सही उत्तर है संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, जिसको 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। कौन से अनुच्छेद के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 19, 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। सही उत्तर है अनुच्छेद 22। अब इस विषय से संबंधित कुछ निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का वर्णन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न यदि आता है तो आप मौलिक अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व अवश्य बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संबंधी जो विशेषताओं के बारे में हमने प्रारंभ में चर्चा की उसको अवश्य लिखिए। उसके बाद फिर समानता का अधिकार का वर्णन करते हुए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जितने भी समानता से संबंधित अधिकार हैं इन सभी को, सभी का उल्लेख आप अवश्य करिए, और साथ में जो जो प्रतिबंध जहां लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों का उल्लेख भी आप उसमें करना ना भूलें। दूसरा प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन कीजिए। क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार एक बहुत बड़ा अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 एवं 22 इन चारों अनुच्छेदों का उल्लेख उसमें अवश्य करिए।
इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत, पहले उनका उल्लेख करें, उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार का। इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं संविधान के अंतर्गत, पहले उनका उल्लेख करें, उसके बाद फिर स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन आप कीजिए। आज के इस व्याख्यान का सारांश इस प्रकार है। आप जान चुके हैं कि मौलिक अधिकार की आवश्यकता, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विषय से संबंधित कुछ प्रश्न। अगले भाग में आप जानेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है। हमारे अगले भाग में जो मौलिक अधिकार हमारे बचे हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजनीति शास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम मौलिक अधिकार। आज आपने इसका पहला भाग सुना। इस कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉ. अमर नायक, निवेदिका थी अनुराधा गोस्वामी। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम NITTTR भोपाल के सहयोग से मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।